फ्रेंड्स, मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 3500 स्क्वायर फीट का जो शोरूम है उसको बनाने के लिए इंस्टॉलेशन कैसे होती है और वो बनने के बाद कैसा लगता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। ये 3500 स्क्वायर फीट में शोरूम बनाने जा रहा हूँ मैं, और जब ये शोरूम बनने वाला होता है उससे पहले है ना, ऐसे बॉक्स में पैकिंग आती है, ये सारा सामान ऐसे पैक होके आएगा, ठीक है। ये ट्रक में लोड होके आया था माल, अब ये बॉक्स खोलेंगे और उससे है ना रैक बनाएंगे। अगर इस साइड देखें हम तो लैग हैं, इस साइड ये लैगे हैं, इनके ऊपर पॉलीथीन रैप्ड होती है। ये जो लैग है जिसमें से अभी हमने पॉलीथीन उतारा है, इसमें अब हम एडजस्टर लगाएंगे। एडजस्टर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, उसके बाद ये जो लैग हैं उसको वॉल के साइड ऐसे खड़ा कर देंगे। जब ये लैग लग जाएंगे उसके बाद जो बॉक्स में बैकशीट है वो निकाल करके रैक के ऊपर लगाएंगे। इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे सेकंड लाइन बनाएंगे और लेग्स है ना एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी और जितना स्ट्रक्चर आपको लेंथ में चाहिए वैसा बन जाएगा। ऐसे थर्ड लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो होल्स हैं इसके अंदर ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट को आप है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को, ब्रैकेट की हाइट को, और जब वो ब्रैकेट लग जाते हैं तो उस पर शेल्फ लगा देते हैं इस तरीके से। इन सब ब्रैकेट पे जब शेल्फ लगा देंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके आगे अब है ना बीडिंग लगानी है, उसके बाद कलर चढ़ जाता है उस पर, वो पीवीसी की बीडिंग होती है वो लगाते हैं। जब ये बीडिंग लग जाएगी तो रैक कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। इसके आगे ना हमने फ्रंट स्टॉपर जाली के लगाए हैं, वो सिंपली इंसर्ट करना होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता। ये एंड कैप रैक बन चुका है, और ये सेंटर लाइन सारी तैयार हो चुकी है। ये भी सेंटर रैक है। इसके बाद कोने में हमने वाइपर के लिए भी रैक दिया है, ये वाइपर रैक, वाइपर लगते हैं इसके अंदर। सो गाइस, शोरूम बनकर तैयार है, तो आपने देखा कितना इजी फिटिंग थी, और इसको बनाने में लगभग 2 दिन का टाइम लगा है। थोड़ा बड़ा शोरूम था, नहीं तो हमें ना अगर स्ट्रक्चर कम हो, जैसे 9x20 की शॉप हो, वो 2 घंटे में तैयार हो जाती है, और अगर वो स्ट्रक्चर 3500 स्क्वायर फीट में हो उसको बनाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्क होता है उसमें, और लेबर भी 3 से 4 लेबर लगती है।